हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज द डेजर्ट रीजन सऊदी अरेबिया। वी विल लर्न अबाउट द डेजर्ट रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। हियर वी विल लर्न अबाउट लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, क्लाइमेटिक कंडीशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिजिकल फीचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड लाइफ ऑफ द पीपल हु आर लिविंग हियर। So here we have a quick exercise to do. Let us begin. Which of the following is the base of Saudi economy? Saudi economy का इनमें से क्या base है? ऐसे तो south में जो है wheat production भी होता है Saudi में, but यहाँ का जो main economy base है वो petrol है, जिससे government बहुत ज़्यादा earn करती है। Petroleum based product और petrol यहाँ का main है। Now, hot and dry region where the average annual rainfall is less than 25 centimeter are called hot desert. Hot desert किसे बोलते हैं? जहाँ की average rainfall 25 centimeter से क्या हो? कम हो। The hot desert are shown in the map on the next page. Sahara desert is in the northern part of Africa, is the largest hot desert in the world. जो Sahara desert है, इन्होंने ये जो map में बताया है next page में, नहीं इन्होंने मैप दिया ही नहीं, एक बार मैप चेक कर लेते हैं कि अगर इन्होंने नेक्स्ट पेज पे मैप दिया है तो हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन ही दी है, ये है, दिस इज सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया का मैप है बच्चों। ये देखो इजराइल, जॉर्डन, इराक, ईरान, ये क्या है? ये इनकी सिटीज़ हैं जो इन्हें सराउंड कर रही हैं, और नीचे से रिपब्लिक ऑफ यमन, यमन भी इन्हें सराउंड कर रही है, कतर है, फिर यहाँ का जो कैपिटल, इसका पूरा सऊदी अरेबिया का मैप है। सऊदी अरेबिया के कैपिटल में जो है वो रियाद, रियाद यहाँ का कैपिटल है, फिर जिदा, जो जैदा है यहाँ पे वो पोर्ट है, सी पोर्ट है लार्जेस्ट। ये देखो ना, सी दिख रहा है ना, रेड सी यहाँ पे मेंशन किया है, तो जहाँ पे सी होगा वहाँ क्या होगा? सी पोर्ट होगा। सी पोर्ट में क्या होता है? शिप्स में लोडेड और अनलोडेड ऑफ गुड्स, सामान को शिप्स में चढ़ाया जाता है या सामान उतारा जाता है, तो वो सी पोर्ट्स कहाँ है? जैदा में है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो अफ्रीका है वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का। अरेबियन पेनिनसुलर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ एशिया इज ऑल्सो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। और जो अरेबियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्या होता है बच्चों? कोई भी लैंड जो है, ये लैंड अगर थ्री साइड से किससे सराउंडेड हो? वाटर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर लैंड, वो लैंड, और वो भी क्या है? हॉट और ड्राई डेजर्ट है। नाउ लोकेशन एंड एक्सटेंट, तो अरेबियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय द रेड सी ऑन द वेस्ट, द गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी ऑन द साउथ, एंड द पर्शियन गल्फ ऑन द ईस्ट। तो देखो इस मैप में पर्शियन गल्फ कहाँ है? ईस्ट डायरेक्शन में है। अरेबियन सी कहाँ है? साउथ डायरेक्शन में है। नेक्स्ट रेड सी कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये जो सऊदी अरेबिया है ये तीनों साइड से किससे सराउंडेड है? वाटर से सराउंडेड है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? पेनिनसुलर लैंड। नाउ सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट कंट्री इन अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में ये लार्जेस्ट कंट्री है। सऊदी अरेबिया इज सराउंडेड बाय जॉर्डन, इराक, कुवैत इन नॉर्थ, कतर, ओमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई इन द ईस्ट, एमन इन साउथ, रेड सी इन द वेस्ट। तो ये जो सारी कंट्रीज है इनसे वो क्या है? सराउंडेड है। कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे? इराक है, जॉर्डन है, इजराइल है, फिर यहाँ पे ओमन है, रिपब्लिक ऑफ यमन है। तो ये सारे ये क्या है? इनसे सराउंडेड है। दीज आर देयर सराउंडेड नेबर्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ सऊदी अरेबिया एंड रियाद इज द कैपिटल सिटी। तो ये जो रियाद है वो कैपिटल सिटी है, और बीच से कौन सी लाइन पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर। तो अ मेजर पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज रॉकी प्लेट्यू कवर्ड विथ लूज सैंड। तो रॉकी प्लेट्यू क्या होगा? एक हिल टाइप का एरिया, मतलब सराउंडेड एरिया से थोड़ा ऊपर, लेकिन इसका टॉप कैसा होगा? फ्लैट टॉप होगा।
और ये जो फ्लैट टॉप है उसी को हम प्लेट्यू बोलते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट की बात हो रही है तो ये किससे कवर्ड रहेंगे? सैंड से। डेजर्ट में मेजरली क्या मिलती है? सैंड। तो ये सैंड से कवर्ड रहेंगे। दिस वास्ट ड्राई सैंडी डेजर्ट इज कॉल्ड नाफूड इन द नॉर्थ एंड रब अल खली मीन्स एम्प्टी एरिया इन द साउथ। रब अल खली बोला जाता है मतलब खाली एरिया जो कि साउथ में है। माउंटेन्स आर अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया है, इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पे क्या है बच्चों? माउंटेन्स है। नाउ नेक्स्ट इज इन द हॉट एंड ड्राई डेजर्ट रीजन देयर आर मैनी लो हिल्स ऑफ लूज सैंड। बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स हैं जो लूज सैंड पार्टिकल्स से बनी हुई है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। मतलब जो सैंड है, रेत है, वो एक पहाड़ जैसा हिस्सा बना ले। विंड्स फ्लो होती हैं तो विंड्स फ्लो होगी तो रेत भी उड़ेगी और वो फिर जाके कहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर बनेंगे किससे बनेंगे? सैंड से। तो उन्हीं को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। The strong winds can shift the sand dunes from one place to another. और इतनी strong winds चलती है कि एक place से दूसरी जगह ये sand dunes को shift कर देते हैं। There are no permanent stream or lakes in Saudi Arabia. कोई भी permanent lakes या stream Saudi Arabia में नहीं है। Few wadis or temporary streams can be formed after the rain. बारिश होने के बाद छोटी मोटी थोड़ी सी streams वगैरह यहाँ पे देखने मिल जाती हैं। Now क्लाइमेटिक कंडीशन। तो द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है, तो हॉट रहेगा और ड्राई रहेगा। नेक्स्ट ड्यूरिंग द समर सीजन फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर द डेज आर वेरी हॉट। मे से सेप्टेम्बर तक दिन जो दिन में है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में जो भी डेजर्ट एरिया रहेंगे बच्चों ध्यान रखना जितनी गर्मी वहां दिन में पड़ेगी रात में वहां उतना ही ठंड होगा। सो ड्यूरिंग द डे टाइम द सनशाइन ब्राइटली एंड द टेम्परेचर कैन बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। और ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर अक्टूबर से अप्रैल तक होती है, डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। दिन तो गर्म होते हैं लेकिन रात में बहुत ठंडक होती है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर एंड डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे विंड चलती रहती है और डस्ट स्टॉर्म हवा साथ में क्या लाती है? तूफानी हवा, कि उससे जो सैंड है वो पूरा इधर से उधर सैंड ड्यून्स बनाते रहते हैं, पूरे में रेत ऐसे उड़ती रहती है, इस तरीके का डस्ट स्टॉर्म आते हैं। देयर इज हार्डली एनी रेन, रेन तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कोस्टल एरियाज हैव माइल्ड क्लाइमेट, जो समुद्र से नियर बाय एरियाज है वहाँ थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट होता है, इतनी गर्मी नहीं होती। आभा हिल स्टेशन है साउथ वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया में, इज कूल इन द समर सीजन। ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जो समर सीजन में कैसा रहता है? ठंडा रहता है। नाउ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलेगी? तो ओनली दोज प्लांट विच कैन सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई वेदर आर फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया। मतलब वही प्लांट्स जो ऐसे हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं वही यहाँ पे हमें ड्राई रीजन में मिलेंगे, जैसे कि कैक्टस और जितनी भी फ्लैशी लीव्स, मतलब जिनकी जो लीव्स होती हैं वो काफी फ्लैशी होती हैं, जैसे एलोवेरा देखा होगा आपने, कितनी फ्लैशी लीव्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो है कैक्टस हुआ, ये ऐसी जगह पे ग्रो कर जाते हैं जहां पानी की बहुत कमी हो। तो ये क्या करते हैं, जब भी इन्हें पानी मिलता है तो पानी को स्टोर करके रख लेते हैं अपने लीव्स में। रूट्स जो है इनकी बहुत काफी नीचे तक पेनिट्रेट हो जाती है कि बहुत नीचे से भी ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और जब लीव्स में पानी का स्टोर करके पहले से रख लेते हैं तो फिर अगर कुछ दिन इन्हें पानी नहीं मिलता तब भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। सो दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स एंड थॉर्न्स, कांटेदार होते हैं जिससे इवोपरेशन ईजिली ना हो, है ना। और क्या होती है, रूट्स काफी लंबी होती हैं। लॉन्ग रूट्स कैन गो डीप इनटू द अर्थ एंड इन सर्च ऑफ वाटर, अर्थ में बहुत नीचे तक जा सकती हैं पानी को सर्च करने के लिए। स्टेम एंड रूट्स आर सॉफ्ट एंड फ्लैशी, और इनका जो स्टेम होता है, रूट्स बहुत सॉफ्ट होता है और फ्लैशी होता है क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करता है। दे कैन स्टोर वाटर, वाटर को वहां स्टोर करके रख लेता है। कैक्टस आर कॉमन प्लांट्स हूज लीव्स आर रिड्यूस टू थॉर्न्स, दस देयर इज लेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवोपरेशन। जैसे ये कैक्टस है तो यहाँ लीव्स में क्या है, कांटे हैं, तो ये जो कांटे हैं थॉर्न्स हैं ये क्या करते हैं, इवोपरेशन होने से रोकते हैं। किसका इवोपरेशन?
पानी का, कि ज्यादा से ज्यादा पानी इवोपरेट ना हो इन प्लांट से, इसलिए इनकी लीव्स भी कैसी होती है, फ्लैशी होती है, कि इनमें बहुत ज्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं, क्या होता है, वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ओनली दोज एनिमल विच कैन सर्वाइव इन द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। वही एनिमल यहाँ पे मिलेंगे जो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसमें से क्या है, कैमल। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये कैन लिव विदाउट वाटर, फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। फूड और वाटर के बिना काफी दिनों तक ये रह सकता है। द कैमल कैन स्टोर वाटर इन देयर स्टमक एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन देयर हम्प। मतलब ये जो कैमल का ऊपर सा उठा हुआ हिस्सा होता है ना, इसे हम्प बोलते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, फूड को स्टोर कर लेता है। इसी तरीके से वो अपने स्टमक में पानी को बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर करके रख लेता है और काफी दिनों तक बिना पानी और खाने के चल जाता है। दे कैन मूव स्विफ्टली अक्रॉस द डेजर्ट ड्यू टू देयर वाइड पैडेड फीट। पैडेड फीट होने का कारण ही है कि इनका जो पैर है वो रेत में धंसता नहीं है और वो उस रेत में चले जाते हैं। लंबे भी होते हैं और पैडेड भी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट, स्पाइडर, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स यहाँ मिलते हैं और अरेबियन हॉर्सेस बहुत फेमस हैं फॉर देयर फेथफुलनेस। भरोसे वाले जानवर है ना, बहुत फेथफुलनेस के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है यहाँ पे, तो देयर आर लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द स्पार्सली पॉपुलेटेड सऊदी अरेबिया। कम पॉपुलेशन है क्योंकि पानी की कमी है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी लिमिटेड है। एट सम प्लेसेस द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस थ्रू अ स्प्रिंग। ये देखो जमीन के नीचे यहाँ पानी होगा तो ये यहाँ पे ऊपर आ गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, ओएसिस। और दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ओएसिस। स्मॉल विलेजेस डेवलप अराउंड द ओएसिस एंड फार्मिंग कैन बी डन ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल। अब क्योंकि यहाँ पानी आ गया तो यहाँ की सॉइल कैसी होगी बच्चों, सॉइल होगी फर्टाइल। और अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन। और अगर कहीं पर भी क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है, दैट मींस क्या होगा, वहां पे विलेज, लोग वहां पे रहने लगेंगे और छोटा सा विलेज बन जाएगा। तो नियर द ओएसिस डेट पाम, वीट, बार्ले, ये क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। नाउ सम पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बट वाटर इज नॉट अवेलेबल। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्रॉप्स वहाँ इजिली ग्रो कर सकते हैं बट वहाँ वाटर अवेलेबल नहीं है। सम फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल फॉर इरीगेशन एंड डोमेस्टिक यूज बाय डिसॉल्टिंग द सी वाटर। कुछ जगह पे इरीगेशन के लिए, पीने के लिए पानी अवेलेबल करवाया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, कैसे, जो समुद्र का खारा पानी है उसको डिसॉल्ट करके, उसमें से सॉल्ट को रिमूव करके पीने लायक बना के। मेन क्रॉप्स यहाँ पे बीट, वार्ले, डेट, वेजिटेबल, अल्फाल्फा, ये मेन जो क्रॉप्स यहाँ ग्रो होते हैं। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिनरल ऑयल लिक्विड गोल्ड ड्यू टू इट्स वैल्यू इन द वर्ल्ड। लिक्विड गोल्ड मतलब पेट्रोल। पेट्रोल जो है ये बहुत ज्यादा दूसरे कंट्री में क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी अच्छी चलती है। डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स, ऑयल और पेट्रोलियम हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ पीपल इन सऊदी अरेबिया। पहले तो यहाँ इनके पास कुछ नहीं था, रेत था, डेजर्ट था, लोगों को कुछ पता नहीं था, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर नहीं सकते थे क्योंकि सॉइल फर्टाइल नहीं थी। फिर जब इन्होंने ऑयल्स वगैरह की डिस्कवरी की, ऑयल और पेट्रोल की, तो फिर इन लोगों की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा पेट्रोल है कि ये दूसरे देशों को भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। विद द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ पेट्रोलियम द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ, पेट्रोल को ये दूसरे देशों में बेच रहे हैं तो अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट के पास जब पैसा आता है तो वो उस देश के डेवलपमेंट में लगाता है। तो उन्होंने भी वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे फिर क्या किया, पैसे लगाना शुरू किए, जिससे यहाँ की कंट्री जो है वो डेवलप हुई। नहीं, नाउ नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ पीपल। तो लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इज फास्ट चेंजिंग इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में लोगों की लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ लिविंग इन टाउन एंड सिटीज। बहुत सारे लोग अब टाउन्स और सिटीज में ही रहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फास्ट इम्प्रूविंग। द सिटीज हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज, पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज है सिटी एरिया में, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल्स, मार्केट, रोड, इंडस्ट्री।
और रियाद क्या है, लार्जेस्ट सिटी है, और जेदा मेन कॉमर्शियल सिटी और बिजी सी पोर्ट है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ से ये अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और भी चीज़ें गुड्स जो है इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। ये मक्का मदीना सबसे बड़ी पिलग्रिमेज सेंटर है मुस्लिम्स के लिए, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स हर साल यहाँ जाते हैं, तो इससे भी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। नाउ ये मदीना मॉस्क, ये वहाँ का मस्जिद है। ये नाउ सम पीपल स्टिल लिव इन विलेज एंड एंजॉय द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, कुछ लोग आज भी विलेज में रह रहे हैं और ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर नोमेड्स, बहुत सारे जो विलेजर्स हैं वो कौन है, नोमेड्स हैं, दे आर बिडुइंस, उन्हें हम बोला जाता है बिडुइंस। नोमेड्स मतलब इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर या जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो, कहीं भी एक जगह पे सेटल होके ना रहे। दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर फॉर देयर एनिमल्स, अपने जानवरों को शेल्टर ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। दे मूव विथ लॉन्ग रोज ऑफ कैमल कॉल्ड कैरावान, एक साथ ग्रुप में चलते हैं और उस जिसे हम कैरावान बोलते हैं। कैमल्स गिव देम, कैमल से उन्हें मिल्क मिलता है, मीट, हेयर, स्किन। Nowadays many of them use jeeps and car for moving in the desert. अब jeeps और car भी use करने लगे बहुत सारे लोग desert में move करने के लिए। Now next is ये जिदा है main commercial city, देख रहे हो कितने अच्छे से इसको बनाया गया है। Next ये caravan, ये group में चल रहे हैं, move कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह in search of food and water। ये अरब मैन और वुमेन है जो ट्रेडिशनल ड्रेस वहाँ की पहने हुए हैं। तो ट्रेडिशनल ड्रेस सऊदी अरेबिया की क्या है, लॉन्ग क्लॉक वॉर्न ओवर अ स्मॉक, ये मतलब ये लॉन्ग कुर्ता टाइप का स्मॉक उसके ऊपर पहनना। पीपल ऑल्सो वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस इन द सिटीज, सिटीज में वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर मुस्लिम एंड अरबिक इन देयर नेशनल लैंग्वेज, वहाँ पे मेनली लोग मुस्लिम से और अरबिक उनकी नेशनल लैंग्वेज है। मक्का मदीना बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है मुस्लिम्स के, एंड मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज होली प्लेसेस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम, मतलब पूरी दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम्स रह रहे हों वो एक बार इस जगह जरूर जाते हैं अपनी लाइफ में। अलर्दा जो है सॉर्ड डांस इज द नेशनल डांस ऑफ सऊदी अरेबिया, तलवार पे जो तलवार की मदद से जो भी डांस होता है उसे अलर्दा बोला जाता है, जो यहाँ का फेमस डांस है सऊदी अरेबिया का। डेजर्ट्स आर वाइटली इंपॉर्टेंट टू द प्लेनेटरी इको सिस्टम, दे कवर अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ ड्राई पार्ट ऑफ अवर प्लेनेट, डेजर्ट जो है हमारा 1/3 पार्ट जो है कवर किए हुए है और वो भी हमारे इको सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेनिनसुला वो लैंड जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, वाड़ी मतलब अ चैनल दैट इज ड्राई एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन, वाड़ी का मतलब वो रीजन पूरे साल भर तो सूखा रहे लेकिन बारिश आ गई तो वहां पे पानी आ जाए। इवोपरेशन वाटर जो है क्या है, वाटर इवोपरेट हो जाए, वाटर वेपर में चेंज हो जाए। हम्प मतलब बल्ज, बल्क में बल्ज, हम्प मतलब ऐसा उठा हुआ जो हिस्सा रहता है, तो ये कैमल का होता है ना, यहाँ पे वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। Now next is quick review. Deserts are hot and dry areas. Desert क्या है, hot और dry areas है। Saudi Arabia occupies a major part of Arabian Peninsula in Asia. Arabian Peninsula क्यों बोला है, क्योंकि land is surrounded by water by 3 sides. Major part जो Saudi Arabia का है वो rocky plateau है, लेकिन वो किससे covered रहेगा, sand से। Climate Saudi Arabia का hot और dry है throughout the year. नेक्स्ट कैमल क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट, जो सबसे यूजफुल एनिमल है सऊदी अरेबिया का। और फार्मिंग मोस्टली डन अराउंड द ओएसिस, फार्मिंग कहाँ होगी, नियर बाय ओएसिस, और वहीं पे विलेज सेटअप होंगी, और मेन क्रॉप्स जो है वो वीट, बार्ले और डेट पाम है। नाउ डेजर्ट रीजंस आर प्रोन टू, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सैंड स्टॉर्म होते हैं, रेत उड़ती है, जब भी स्टॉर्म आता है हवा चलती है तेजी से तो रेत उड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री इज नॉट अ नेबर ऑफ सऊदी अरेबिया, तो देखो जॉर्डन, इराक, इमन, ये सब इसके नेबर है बट ईरान इज नॉट द नेबर। सॉर्ट डांस को सऊदी अरेबिया के क्या बोला जाता है, तो सॉर्ट डांस को बोला जाता है अल अर्धा, क्या बोला जाता है, अल अर्धा। नाउ नेक्स्ट इज विच इज इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन सऊदी अरेबिया, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट क्या है, तो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इज जेदा। मेन लैंग्वेज क्या है, तो अरेबिक जो है यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है सऊदी अरेबिया की। सहारा डेजर्ट इज इन द डैश पार्ट ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका के कौन से पार्ट में है, तो नॉर्दर्न पार्ट में है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो
पास होती है। टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया क्या है वेस्ट साइड? रेड सी है। नाउ पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वेयर क्लॉक एंड स्मॉक, सिर पे ऐसे वो पहनते हैं और पूरा कुर्ता टाइप पहनते कवर करते हुए, तो क्लॉक एंड स्मॉक बोला जाता है उसे। सो दिस वन इज फोर्थ। नाउ द होली सिटी ऑफ मदीना, मदीना कहाँ है? तो सऊदी अरेबिया में है। दिस वन इज फिफ्थ। नाउ ऑल डेजर्ट्स आर मेड अप ऑफ सैंड, यस डेजर्ट्स आर मेड अप ऑफ सैंड, सो दिस वन इज ट्रू। एट नाइट द टेम्परेचर इन द डेजर्ट फॉल्स, टेम्परेचर का कम होता है नाइट में डेजर्ट्स का, सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। कैक्टस अकेशिया डू नॉट ग्रो इन द डेजर्ट फॉल्स, कैक्टस और अकेशिया जो है वो डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं। रियाद कैपिटल है साउथ अरेबिया का, यस रियाद इज द कैपिटल ऑफ साउथ अरेबिया। और टर्म जो है रवल खाली मीन्स क्राउडेड एरिया, नो इट मीन्स एम्प्टी एरिया, सो दिस वन इज फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सऊदी अरेबिया, वॉट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच परफॉर्म हेयर, और यहाँ पे लोग जो है वो कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। अब तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल ये लोग आराम से जी सकते हैं क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई। इनका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो पेट्रोलियम है, पेट्रोल को वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके इस कारण से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। मक्का मदीना जो मुस्लिम्स के हैं मेन पिलग्रिमेज सेंटर है, जहाँ पूरे वर्ल्ड से मुस्लिम एक बार तो अपनी लाइफ में वहाँ विजिट ज़रूर करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छे से बनी रहती है। और जो डेजर्ट एरिया है सैंड ड्यून्स के लिए बहुत फेमस है, सैंड स्टॉर्म्स आते रहते हैं, ओएसिस नियर द ओएसिस विलेज सेटअप होते हैं जहां वो फिर क्रॉप प्रोडक्शन करने लगते हैं क्योंकि वहां की सॉइल फर्टाइल हो जाती है और वाटर अवेलेबल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सऊदी अरेबिया। थैंक यू क्लास।